वेलकम टू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हफ्ते में जो है दो लेक्चर आएंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज को देखा था। आज हम लोग इस लेक्चर में स्टोन एज को देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको पिछली बार जो डिवीज़न हम बताए थे हिस्ट्री का, तीन डिवीज़न हम बताए थे, प्री हिस्टोरिक एज, उसके बाद हम बताए थे प्रोटो हिस्टोरिक एज, और लास्ट जो बताए थे वो था हिस्टोरिक एज। तो इस तीन डिवीजन की डिफिनेशन भी हम दिए थे। प्री हिस्टोरिक एज वो एज है जहाँ पे चीज़ें जो है एविडेंस, लिखित एविडेंस नहीं मिलते हैं, जो बेसिक डिपेंडेंस है हिस्ट्री की, जो बेसिक निर्भरता कह सकते हैं, वो आर्कियोलॉजी पे बेस्ड है। खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं, औजार मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं, कुछ बर्तन मिल जाएं, तो इन सारी चीज़ों से उस इवेंट के बारे में या उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में हमको जानकारी मिलती है, उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक, यानी कि हमारा स्टोन एज जो कि आज हम लोग देखेंगे। और प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक पीरियड यानी कि हड़प्पन है, वैदिक कल्चर है, उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड आ जाता है जहाँ पे लिखित एविडेंसेस मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है स्टोन एज, जिसको हिंदी में बोलते हैं पाषाण युग। तो स्टोन एज के साथ हम लोग बेसिकली आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन भी, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन को समझे बिना स्टोन एज में घुसने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग थोड़ा बहुत ह्यूमन इवोल्यूशन को देखेंगे, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम लोग स्टोन एज में एंटर कर जाएंगे। तो हमारा टॉपिक है स्टोन एज। अगर स्टोन एज को हम लोग देखें तो स्टोन एज को तीन पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक तो है पैलियोलिथिक पीरियड, फिर है मीजोलिथिक पीरियड, और फिर है नियोलिथिक पीरियड। ये तीनों पीरियड आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, मीजोलिथिक यानी कि ये दोनों के बीच में है तो मिडल हो गया, और न्यू स्टोन एज है ये जो कि नियोलिथिक है। लिथिक का मतलब स्टोन से कनेक्टेड है, और पैलियो यानी कि पुराना, मीजो यानी कि मिडल, और नियो यानी कि न्यू। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये उठता है कि एक स्टोन एज एक ही पीरियड क्रिएट कर देना चाहिए था 20 लाख साल से लेके 10,000 साल तक, मतलब 10,000 BC, ये पूरा स्टोन एज का पीरियड है। तो ये तीन अलग अलग डिविज़न करने की ज़रूरत क्या थी, क्वेश्चन उठता है ना। तो क्वेश्चन जायज़ है, और इसका जवाब ये है कि तीन अलग अलग डिवीज़न करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मौसम जो है, वेदर, वेदर नहीं बेसिकली क्लाइमेट कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, क्लाइमेट जो है बदलता रहा वक्त के साथ साथ। और जैसे ऐसे क्लाइमेट बदला, लोगों की जो जीवन शैली थी, ज़िंदगी जीने का तरीका था, वो भी धीरे धीरे बदलता गया। और जब ज़िंदगी जीने का तरीका बदला तो खान पान, मतलब सब चीज़ें बदली, और खान पान के हिसाब से जो हथियार इन लोगों ने इस्तेमाल किया, उन हथियारों के, उन औज़ारों के तरीकों में भी चेंजेस देखने को मिले। उनके साइज़ जो है वक्त के साथ छोटे होते गए, पहले एकदम वैसे ही नदी के किनारे जो पत्थर होते थे, पेबल्स वगैरह, वैसे हथियार होते थे, औज़ार होते थे, लेकिन धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे प्रॉपर छोटे छोटे पतले से धारदार हथियार जो है बनाना ये लोग शुरू करते हैं। तो जो स्टोन टूल्स पाए गए, पत्थर के जो औजार पाए गए, उनके डिफरेंसेस की वजह से स्टोन एज को जो है तीन फेज में या तीन एज में कह सकते हैं कि डिवाइड कर दिया गया। इस स्टोन एज को समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ और हम लोग समझेंगे, और वो है हमारा कह सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल अगर आप देखेंगे तो हालांकि ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज्योग्राफी का पार्ट है, बट हल्का फुल्का जो मेन बेसिक सी चीज़ें हैं वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जो पृथ्वी हमारी बनी वो बनी हैडियन ईयोन में, ईयोन याद करने की ज़रूरत नहीं, हिस्ट्री में ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं उनके लिए हो सक ज़रूरी रहेगा, बट यहाँ पे फिर सिर्फ हम लोग हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे। 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारी जो है अर्थ बनती है, हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है, और फिर लगभग 4 बिलियन साल, 4 बिलियन ईयर्स एगो, जो हमारे अर्थ की ऊपरी सतह है जिसको बोलते हैं क्रस्ट,
अर्थ जो है तीन लेयर्स में डिवाइडेड है, वो सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, और फिर उसके बाद कोर है। तो जो क्रस्ट है सबसे ऊपर की जो सतह है वो लगभग 4 बिलियन साल पहले बनी। और फिर हम लोग एक और ईयोन आता है जिसको बोलते हैं प्रोटेरोजोइक, और ये टाइम पीरियड रहा लगभग 2.5 बिलियन ईयर एगो। और इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि हमारे जो अर्थ है उस पे ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो बढ़ा, और जब ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ा तो अर्थ पे जो है कह सकते हैं लाइफ इवॉल्व होना शुरू हुई प्रॉपर तरीके से। और इवॉल्व यानी कि पहले भी लाइफ थी, लगभग 3500 जो है साल पहले, मिलियंस ईयर पहले देखेंगे, यानी कि अगर इसको बिलियन में बोला जाए तो 3.5 बिलियन ईयर से वो देखा जाए तो पृथ्वी पे लाइफ शुरू हो चुकी थी। लेकिन वो लाइफ सिर्फ जो है प्लांट्स तक ही कन्फाइंड थी, यानी कि प्लांट्स ही होते थे। लेकिन इस पीरियड में जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा तो हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे जो है यूनिसेलुलर और छोटे छोटे जो है जीव अस्तित्व में हैं, और कह सकते हैं पृथ्वी पे लाइफ जो है स्टार्ट हुई। और वो लाइफ प्रॉपरली स्टार्ट होती है इस प्रोटेरोजोइक ईयोन के बाद, जिसे हम लोग कहते हैं पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा का टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो ये 600 मिलियन से लेके 600 मिलियन ईयर्स टू 270 मिलियन ईयर्स एगो। और इसके बाद कह सकते हैं यहाँ पे इसी पीरियड में कार्बोनिफेरस पीरियड था, जहाँ पे कह सकते हैं हमारे जितने कॉन्टिनेंट आजकल दिखते हैं, जो अलग अलग महाद्वीप हैं, वो सारे महाद्वीप इसी एरा में कह सकते हैं सेपरेट हुए, और इसी एरा में हमारा हिमालय भी बना। इसके बाद जो सेकेंड एरा आता है वो है मीसोजोइक एरा। हम जो है यहाँ पे चार्ट लगाना भूल गए, हम वीडियो में बाद में चार्ट लगा देंगे, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, क्लियर वहाँ पे समझ में आएगा। तो मीसोजोइक एरा जो टाइम पीरियड रहा वो ऑब्वियस सी बात है 270 मिलियन साल से लेके 135 मिलियन ईयर्स एगो। और इस पीरियड में ही तीन पीरियड, इस एरा में जो है तीन पीरियड आते हैं, ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। और जुरैसिक पीरियड यानी कि आप लोग समझ सकते हैं यही वो एरा था जिसमें हमारी अर्थ पे रेप्टाइल्स उरूज पर थे, रेप्टाइल्स का वर्चस्व रहा, और डायनासोर्स जो है जुरैसिक में ख़त्म होना शुरू हो गए थे, ट्राइएसिक में उनका उरूज रहा, और इसी के लास्ट में ये लोग ख़त्म भी हो गए। और लास्ट जो हमारा एरा है जो इस टाइम भी चल रहा है हमारा, वो है सीनोजोइक एरा। वेट, वो है सीनोजोइक एरा। और सीनोजोइक एरा जो है इसको जो है दो पीरियड में डिवाइड किया गया, और एक आता है क्वार्टरनरी पीरियड और एक आता है टर्शरी पीरियड। और फिर टर्शरी पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वैसे एक अलग से फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं सीनोजोइक एरा का, उससे आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए ये है सीनोजोइक एरा, टाइम पीरियड अभी फिलहाल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सीनोजोइक एरा को जो है दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया, एक तो है क्वार्टरनरी और दूसरा जो है वो है टर्शियरी। जो टर्शियरी पीरियड था वो 23 मिलियन साल से लेके 2.6 मिलियन ईयर्स एगो तक रहा। और जो क्वार्टरनरी पीरियड है इसमें फिर दो डिवीज़न किए गए, पहला जो डिवीज़न किया गया वो किया गया प्लिस्टोसीन, और दूसरा जो इसमें डिवीज़न हुआ वो हुआ होलोसीन। प्लिस्टोसीन जो टाइम पीरियड रहा
वो जो है 12,000 BC तक रहा, और फिर होलोसीन जो टाइम पीरियड रहा ये 12,000 BC से लेके आज तक कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम तक ये चल रहा है। तो जो जिस इपॉक में, इसको इपॉक बोलते हैं, हम लोग जी रहे हैं वो होलोसीन है, जो 12,000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। तो अगर ये टाइम पीरियड देखा जाए तो इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, अब ये देखिए प्लिस्टोसिन कब शुरू हुआ, 2.6 मिलियंस ईयर एगो। अब ये उस टाइम पे शुरू हुआ और ये कब तक चला, 12,000 ईस्वी तक चला। तो इस 12,000 ईस्वी तक चला, यानी कि अगर आप स्टोन एज का टाइम पीरियड देखेंगे तो स्टोन एज का टाइम पीरियड है 20 लाख साल से लेके 10,000 BC। तो पूरा लगभग ऑलमोस्ट पूरा स्टोन एज जो कह सकते हैं वो हमारा इसी प्लिस्टोसीन इपॉक में आता है ना। क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड 12,000 तक है और स्टोन एज को हम लोग 10,000 तक नॉर्मली एक मोटा माटी जो नंबर लेते हैं 10,000 तक लेते हैं, तो पूरा स्टोन एज इसी में आता है। और फिर होलोसीन में जो है स्टोन एज खत्म हो जाता है, यानी कि जब हम पैलियोलिथिक को ख़त्म करेंगे 10,000 BC में, पैलियोलिथिक लगभग ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पे ये स्टेज खत्म हो जाएगी, ये इपॉक खत्म हो जाएगा और होलोसीन इपॉक शुरू हो जाएगा। और पृथ्वी जो कि आइस एज में थी, हर तरफ बर्फ थी, वो आइस एज यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो बेसिकली हम लोग इस जियोलॉजिकल टाइम स्कूल को हल्का फुल्का जो है माइंड में आप लोग रखे रहें तो बेहतर है, और नहीं भी रखे रहें तो कोई मतलब नहीं है। ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी पढ़ते होंगे उनको याद रहेगा। आते हैं हम लोग जो है हमारे पैलियोलिथिक एज में, जिसका टाइम पीरियड है 20 लाख साल से लेके 10,000 BC, यानी कि प्लेस्टोसीन जो इपॉक है उसी इपॉक में ये पूरा समा जाएगा। और प्लिस्टोसिन इपॉक है यानी कि अर्थ पे जो है आइस एज चल रही है। आइस एज यानी कि पूरा जो है ठंडी है, टुंड्रा वेजिटेशन है, बहुत जो है बड़े बड़े एनिमल्स हैं, बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं, वो सारी चीज़ें अभी है आगे हम लोग देखेंगे। तो अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें हम लोग, तो ह्यूमन इवोल्यूशन जो कह सकते हैं मानव का की उत्पत्ति जो हुई वो मानी जाती है 35 लाख BC, 35 लाख साल BC मानी जाती है, यानी कि प्लिस्टोसिन का शुरुआती एकदम पीरियड रहा होगा या फिर उसके पहले का, क्योंकि 2.6 मिलियन नॉर्मली माना जाता है प्लिस्टोसिन का, तो ये उससे ज़्यादा है, 3.5 हो गया। तो या तो प्लिस्टोसिन के शुरुआत में मानव आए या फिर प्लिस्टोसिन के थोड़ा सा कुछ वक्त पहले ही मानव आए। अब मानव आए तो वो मानव मानव जैसे तो रहे नहीं, ये कहानी तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पहले हम सब बंदर थे, फिर धीरे धीरे जो है विकास हुआ और आज हम लोग जो ऐसे दिख रहे हैं वो पहले ऐसे नहीं थे, पहले हम लोग बंदर जैसे थे। तो बंदरों की कहानी में हम लोग नहीं जाएंगे, जितना हिस्ट्री में ज़रूरत है उतना हम लोग देखेंगे। और जो बंदर टाइप के थे उसमें जो लास्ट थे उनको बोला गया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस कह सकते हैं आखिरी बंदर की कैरेक्टरिस्टिक वाले थे। देखिए थोड़ा बहुत बंदर जैसे दिख रहा होगा, चल तो दो ही पैर पे रहा है, इन्होंने दो पैर पे चलना शुरू किया, लेकिन फिर भी कुछ बॉडी का आप देखेंगे जो भी फिजिक है वो कहीं ना कहीं बंदर जैसा है। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस को बोला जाता है प्रोटो ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन से पहले वाले जो थे। और ये लास्ट कह सकते हैं प्री ह्यूमन होमोनिड थे, और इनके अंदर जैसा कि हम बताएं एप की यानी कि बंदरों वाली भी क्वालिटी थी और इंसान वाली भी क्वालिटी थी। खास बात ये थी कि बंदर जैसे होने के बावजूद ये दो पैर पे चलते थे, यही कारण है कि इनको कह सकते हैं इंसान वाली क्वालिटी भी इनके अंदर गिनी जाती है। और दूसरी चीज़ इनकी क्वालिटी रहती थी कि ये पॉट बेलीड होते थे, पेट जो है जैसे जानवरों का निकला होता है थोड़ा बहुत, वैसे ही इनका पेट भी थोड़ा सा जानवरों के टाइप पे निकला होता था। आजकल जैसे ठूस ठूस के हम लोग तोंद निकालते हैं वैसा नहीं, जानवरों वाली जो पेट होता है उस तरीके से पेट निकला होता था, तो एक एप वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है। रही बात इनके ब्रेन के साइज़ की बात की जाए, ब्रेन जो है बहुत बड़ा नहीं था, जो साइज़ थी वो थी 400 CC। सबके ब्रेन केस की साइज़ जो है याद रखें तो बेहतर होगा।
इसके अलावा, अच्छा इनका जो टाइम पीरियड रहा ऑस्ट्रेलोपिथेकस का वो 5.5 मिलियन ईयर्स से लेके 1.5 मिलियन ईयर्स के बीच में ही कहीं आसपास रहा होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो इवोल्यूशन हुआ वो हुआ होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो अलग जीनस था खत्म हो गए। अब ये प्रॉपर कह सकते हैं ह्यूमन का इवोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है, होमो जीनस से, होमो यानी कि ह्यूमन। तो होमो हैबिलिस इनका टाइम पीरियड लगभग 2 मिलियन से लेके 1.5 मिलियन के आसपास रहा होगा, और इनकी उत्पत्ति, इनकी ओरिजिन मानी जाती है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे मानी जाती है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इनका ब्रेन साइज़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ा, और इनके जो ब्रेन का साइज़ होता था, ब्रेन केस का जो साइज़ होता था वो 500 cc से लेके लगभग 700 cc होता था, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कंपैरिजन में क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा, यानी कि इनकी बुद्धि भी थोड़ा बढ़ी होगी। और यही कारण है कि इन्हें हैंडी या स्किलफुल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पत्थरों को तोड़ना सीख लिया था और पत्थरों को तोड़ के थोड़ा बहुत औजार बनाना शुरू कर दिए थे। हालांकि प्रॉपर औजार नहीं बनते थे, बट हल्का फुल्का औजार बनाना इन्होंने शुरू कर दिया था। और होमो हैबिलिस का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एविडेंस मिलता है वो मिलता है पोतवार प्लेट्यू से, लगभग 20 लाख साल पुराना एविडेंस हमको देखने को मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है होमो इरेक्टस का, और होमो इरेक्टस आप देखेंगे तो ये भी थोड़ा सा झुका है, ये तो पूरा ही झुका है, ये लोग है जो है ऑलमोस्ट स्ट्रेट खड़ा हो गया। यही कारण है कि इरेक्टस स्पीशीज़ का नाम दिया गया, इरेक्टस यानी कि इरेक्शन से वर्ड लिया गया, खड़े होने से। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चलना शुरू कर दिए। और औजार जो कि होमो हैबिलिस अभी हल्का फुल्का औजार बना रहे थे, ये लोग थोड़ा और बेहतर औजार बनाना शुरू कर दिए, कुल्हाड़ी ये लोग बनाए, हैंड एक्स होता था। इसके साथ साथ इन्होंने ही आग का इस्तेमाल पहली बार किया, और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे भी माइंड का डेवलपमेंट इनका हुआ, ऑब्वियस सी बात है, इवोल्यूशन हुआ तो माइंड का भी विकास हुआ। और यहाँ पे ब्रेन केस का जो साइज़ है वो साइज़ लगभग 800 से लेके 1200 cc, यानी कि होमो हैबिलिस से थोड़ा सा 2 कदम और आगे पहुँच गए ये लोग। और इनका जो हमको एविडेंस मिला वो मिलता है मध्य प्रदेश से, लगभग 6 लाख BC के आसपास का है, मध्य प्रदेश में एक जगह है हथनौरा, वहाँ से हमको इसका एविडेंस देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है हमारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है वो है होमो सेपियंस, होमो नियंडरथलेंसिस जो है कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंडिया में इसका कोई खास जो है एविडेंस नहीं मिलता है, जर्मन से ये लोग थे और ये जो है होमो सेपियंस की तरह ही लगभग थे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। भारत में एक एविडेंस मिलता है हमको रामा पिथेकस और शिवा पिथेकस का, ये कहीं ना कहीं उन्हीं से रिजेंबल करते थे। और जो रामा पिथेकस और शिवा पिथेकस का हमको एविडेंस मिला इंडिया में वो मिला है शिवालिक और पोतवार प्लेटू से, वो लगभग 2.2 मिलियन ईयर्स पुराना था, और ये कहीं ना कहीं इनसे रिजेंबल करते थे। हालांकि इनसे जो इनका जो टाइम पीरियड है वो रामा पिथेकस और शिवा पिथेकस से बहुत ज़्यादा फर्क था, तो इनसे ये हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहे होंगे या उन्हीं के वंशज रहे होंगे या ऐसा कुछ, तो दोनों अलग हैं। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है होमो सेपियंस, और होमो सेपियंस जो है ऑब्वियस सी मतलब बात है कि जैसे हमारी जो आज हम जो हैं, हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस सेपियंस, डबल सेपियंस है, यहाँ पे ये सिंगल सेपियंस है, तो यानी कि ये हमसे थोड़ा सा कम रहे होंगे क्योंकि सिंगल सेपियंस है। इनकी ओरिजिन की अगर बात की जाए तो 2,30,000 साल पहले से लेके 30,000 BC के आसपास माना जाता है, और ये थोड़ा सा और बेहतर हुए पहले से, इनकी बॉडी जो है थोड़ा सा ठीक ठाक हुई, इंसानों जैसी हुई, इंसानों जैसी कि ऑलमोस्ट इंसान जैसी हो गई, और फोरहेड जो है थोड़ा सा और नैरो हो गया। यहाँ पे देखिए फोटो, ये देखिए प्रॉपर इंसान जो है लग रहा है, और जो है कह सकते हैं कि डेवलपमेंट पूरी तरीके से हुआ। ब्रेन केस जो साइज़ था ब्रेन का वो यहाँ पे थोड़ा और बेहतर हो गया। होमो इरेक्टस का साइज़ था 800 से लेके 1200 cc, तो यहाँ पे होमो सेपियंस का साइज़ जो हमको देखने को मिलता है वो 1200 से 1800 cc, यानी कि उससे भी ज़्यादा बड़ा, तो माइंड जो है और ज़्यादा
डेवलप हो गया और इनका एविडेंस हमको मिलता है धाबा सोन वैली से लगभग 80,000 BC के आसपास का। और लास्ट जो हमारी स्पीसीज़ है ह्यूमन की, जो आज हम लोग हैं, वो है होमो सेपियंस सेपियंस, डबल सेपियंस है। और होमो सेपियंस सेपियंस में यानी कि आज जो भी हमारे पास बुद्धि है, जैसे रहते हैं, सब कुछ वही कुछ है। और हमारा या होमो सेपियंस सेपियंस का ब्रेन केस की साइज़ अगर बात की जाए तो 1200 से लेके 200 बढ़ गई थोड़ा सा, 1200 से 1800 न हो के 2000 हो गई, 2000 CC। लार्ज फोरहेड हो गया, थिनर बोन्स हो गई, हड्डियाँ जो हैं थोड़ा और दुबली पतली हो गई, क्योंकि जानवरों की हड्डियाँ और फिर इंसानों की हड्डियाँ दोनों में फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क यहाँ पे प्रॉपर इस्टेब्लिश हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया और इंसान प्रॉपर इंसान बन गया। और इसका जो हमको पहला एविडेंस मिलता है वो मिलता है हमको श्रीलंका से। श्रीलंका में एक केव है, नाम है फाहियान। फाहियान केव से हमको होमो सेपियंस सेपियंस का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना एविडेंस मिलता है, जो लगभग 28,000 BC का या फिर 34,000 BC के आसपास का है। डेट को लेके क्लियरेंस नहीं है क्योंकि कार्बन डेटिंग से चीज़ें पता चलती हैं, तो एक एक्यूरेट ईयर बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो होमो सेपियंस सेपियंस का हमको एविडेंस यहाँ से मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इससे पुराना एविडेंस होमो सेपियंस सेपियंस का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहीं और नहीं देखने को मिलता है। और कह सकते हैं कि जो है इनका टाइम पीरियड जो होमो सेपियंस के ओरिजिन का है वो 115,000 साल पुराना है, और ये भी ओरिजिनेशन इनका अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में ही ओरिजिनेट हुए। तो मोस्टली देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में ही ओरिजिनेट हुए, कुछ कुछ जो है यूरोप में जर्मनी वाला जो रीजन है वहाँ पे भी उनका ओरिजिनेशन हमको देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग स्टोन एज पे, प्रॉपर स्टोन एज पे। और स्टोन एज जो है ये देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है, ये स्टोन जो है ये आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आग जलाने के बाद अब वो चिकन फ्राई खा रहे हैं या जो भी खा रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं, कोई भी एनिमल है वो उसको मार के जला के वो लोग खा रहे हैं। अगर हम लोग पैलियोलिथिक एज की बात करें, स्टोन एज जैसे हम बताए ना, स्टोन एज तीन पार्ट में डिवाइडेड है, अभी ये पिक्चर हम दिखाए थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो आज हम लोग देखेंगे पैलियोलिथिक, और पैलियोलिथिक जो है वो तीन फेज में डिवाइडेड है अगेन, और वो तीन फेज जो है यहाँ पे उनके टूल्स के साथ दिखाया गया है। पैलियोलिथिक का ओवरऑल जो एज की बात की जाए, जैसा कि हम अभी बताए, 20 लाख साल से लेके 10,000 BC है, और इसको जो है तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो जो अपर पैलियोलिथिक है, अपर कह रहे हैं, लोअर पैलियोलिथिक है यानी कि जो सबसे शुरू का है, वो 20 लाख साल से लेके, ये जो है 20 लाख साल से लेके 1 लाख BC माना जाता है। उसके बाद मिडल पैलियोलिथिक जो है ये माना जाता है 1 लाख साल से लेके 40,000 BC, और फिर लास्ट जो है पैलियोलिथिक में हमारा लास्ट जो एज है वो मानी जाती है 40,000 BC से लेके 10,000 BC। और यहाँ पे भी अगेन जो अलग अलग एज क्रिएट करने की जो वजह थी वो वजह यही है कि जो औज़ार इन्होंने बनाए उन औज़ारों में हमको फ़र्क देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं हमारा पहला जो है, पहली जो एज है पैलियोलिथिक की, वो देखने की कोशिश करते हैं, जो कि लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक एज है, जिसका टाइम पीरियड है 20 लाख साल से लेके 1 लाख BC। और जैसा कि हम बताएं ये प्लिस्टोसीन इपॉक का पार्ट था, यानी कि आइस एज का दौर चल रहा है, यानी कि पूरी अर्थ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, टुंड्रा वेजिटेशन होगा, और टुंड्रा वेजिटेशन होने की वजह से जंगल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के मॉसेज होंगे, लाइकेंस होंगे, बड़े जो है ग्रासलैंड होंगे, वैसा जो है आजकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, अमेजोन हो गया, तो वैसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। टुंड्रा वेजिटेशन आप कश्मीर चले जाइए देखेंगे, वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं और वैसे घने नहीं होते हैं। तो इस वक्त जो है पृथ्वी पे हालत वैसी ही थी,
और एनिमल्स जो होते थे वो बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते थे, जैसे कि एक एनिमल जैसे यहाँ पे हम फोटो लगाएं, ये मैमथ, ये बहुत सी मूवीज़ में आप लोग देखे होंगे, हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह में, तो ऐसे बड़े बड़े एनिमल्स होते थे। तो कह सकते हैं लाइफ जो है वो बहुत जो है अजीब सी थी इस वक्त, और इन एनिमल्स की वजह से, अब बड़े एनिमल हैं तो सिंपल सी बात है कि उनको मार के खाया नहीं जा सकता, तो छोटे मोटे जो एनिमल्स थे और जिस तरीके की इनकी दिनचर्या थी उसके हिसाब से इन्होंने हथियार बनाए, औजार बनाए। और नॉर्मली क्या हो रहा था, जैसे टुंड्रा वेजिटेशन था यानी कि ठंडी बहुत ज़्यादा, तो ये लोग रिवर वैली के आसपास नहीं रहते थे, लेकिन सिर्फ एक एविडेंस मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो रिवर वैली के आसपास इनकी बस्ती थी वो थी कल्पी यूपी में। और रही बात ये, जैसे कि हम कह रहे थे इनके टूल्स की, स्टोन टूल्स की, तो जो हंटिंग गैदरिंग ये लोग करते थे वो नॉर्मली किसी बड़े एनिमल की नहीं करते थे, क्योंकि जैसा बड़ा एनिमल हम अभी दिखाए हैं तो वैसे बड़े एनिमल का करना पॉसिबल नहीं था। हाँ, फिर भी नॉर्मल ठीक ठाक करते थे, तो उसके हिसाब से जो हथियार ये लोग बना सकते थे वही बनाते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, साथ ही साथ बर्ड्स को जो है मार के खाते थे, हंटिंग में फिशिंग भी करते थे ये लोग, तो उसी हिसाब से इन्होंने हथियार बनाए। हथियारों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा उसको शार्प करने की कोशिश नहीं की, जैसे नदी के किनारे कोर्स होते हैं ना या पेबल्स होते हैं अजीब अजीब से, तो वैसे ही कुछ हथियार औजार होते थे, बड़े होते थे, उसमें शार्पनेस नहीं होती थी। ले देके हैंड एक्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है, क्लीवर्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है, चॉपर्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं आप, जो है क्लीवर के तौर पे ये काम कर सकता है, चॉपर के तौर पे ये काम कर सकता है, यहाँ पे नेमिंग नहीं की गई, ये हैंड एक्स की तरह थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पे हैंड एक्स और बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए ये है। तो ऐसे अवजार देखने को मिले, ये सब देखिए ये बाद में है, क्यों, क्योंकि बाद में मौसम और बदला, लेकिन फिलहाल लोअर पैलियोलिथिक में ऐसे ही अवजार रहे, बड़े बड़े ऐसे अजीब से, जिनका कुछ खास इस्तेमाल हमको देखने को नहीं मिलता है। और रही बात इनकी जिंदगी की, तो वैसे ही पत्तियों का इस्तेमाल करते थे, ब्रांचेस का इस्तेमाल करते थे, गुफाओं में रहते थे, भीमबेटका की जैसे गुफा का नाम आपने सुना होगा, तो ऐसे गुफाओं में रहकर अपनी ज़िंदगी जो है ये लोग गुजर बसर करते थे। रही बात उन जो है औजारों की, तो वो औजार नॉर्मली जो है चर्ट्स के बने होते थे, क्वार्ट्स के बने होते थे, इसके अलावा लाइम स्टोन के बने होते थे, और डोलोमाइट, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, इससे भी औजार जो है यहाँ पे बनाए जाते थे। और इस टाइम पीरियड में जो वर्चस्व रहा, जो जिस ह्यूमन स्पीशीज़ का, वो रहा होमोसेपियंस, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, नोट कर लीजिएगा। रही बात थी इनकी बस्तियों की, तो इनकी बस्तियाँ कहाँ कहाँ पे रहीं, बहुत सारी साइट्स रही हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे दिल्ली रिज यहाँ पे लिखा हुआ, भीमबेटका की गुफा यानी कि ये मध्य प्रदेश की है, भीमबेटका की पिक्चर शायद यहाँ पे पिछले लेक्चर में हम दिखाए होंगे, ये देखिए ये भीमबेटका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका जो है अर्ली पैलियोलिथिक में भी थी, और न्यूलिथिक पीरियड तक हम लोग जाएंगे जो कि अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वहाँ तक इसमें बस्तियाँ रही हैं। इसके अलावा आदमगढ़ है, एमपी है, बेलन वैली पैसारा बिहार में है, हंसगई है कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम है, नागार्जुन कोंडा है, अतिरमपक्कम है, ये सारे जो है साउथ इंडिया में रहे, और ये लोग ये कह सकते हैं रिचेस्ट साइट भी रही है यहाँ की, साउथ इंडिया की, और पूरे जो है कह सकते हैं लोअर पैलियोलिथिक की। इन साइट्स के अलावा भी और कई सारी साइट्स थी, जैसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, हिरन वैली है गुजरात में, वैसे डाले नहीं है, नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं, हिरन वैली है, ये गुजरात में है, इसके अलावा लूनी वैली है, ये जो है मोगरा हिल्स यानी कि राजस्थान में है, इसके अलावा एक और है दारी दुंगारी, दारी दुंगारी जो है ये उड़ीसा में है, संबलपुर में, इसके अलावा बेलन वैली जैसा कि अभी हम बताए यूपी में है, और सोहन वैली है पंजाब में है, इसके अलावा दिदवाना है राजस्थान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये तीनों ही फेज में हमको देखने को मिलती है, पैलियोलिथिक में भी, मतलब लोअर में, मिडल में, सब में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं था कि एक में थी अगली वाले में गायब हो गई, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में है चिरकी निवासा, ये भी लोअर पैलियोलिथिक साइट थी। नागार्जुन कुंडा आंध्र प्रदेश में, जो भी हम बताएं, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, ये भी शायद जो है बता दिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स रही हैं। इसके अलावा जो हमारी हमारा जो दूसरा कह सकते हैं पीरियड है पैलियोलिथिक का, वो है मिडल पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि 1,00,000 BC से लेके 40,000 BC के आसपास। यहाँ पे अगेन वही बात, क्यों पीरियड का नेम चेंज करना पड़ा? क्योंकि मौसम में बदलाव आया, इन्वायरमेंट चेंज हुआ। इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो लोगों के रहने में बदलाव आया, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से लोग माइग्रेट करना शुरू हो गए। और जब लोग माइग्रेट करना शुरू हुए, अपनी ज़िंदगी के जीने का तरीका लोग बदलना शुरू हुए, तो उनकी हथियारों में, उनके औज़ारों में भी चेंजेस देखने को मिले। वो औज़ार जो पहले अभी भब्बड़ से अजीब से बना रहे थे ये लोग, अब ये लोग क्या किए, हल्के और पतले औज़ार बनाना शुरू किए, फ्लेक टूल्स जिसको हम लोग कहते हैं। क्लीवर्स को और बेहतर बना दिया चीरने फाड़ने के लिए, ब्यूरिन्स बनाया, बोरर्स बनाया, स्क्रैपर्स बनाए। स्क्रैपर जो है चीरने फाड़ने के लिए होता था, ब्यूरिन्स बोरर्स कह लीजिए हड्डियों में सुराख वगैरह करने के लिए, या फिर जो है स्किन होती थी एनिमल्स को उसमें सुराख करने के लिए। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसी पीरियड के एविडेंस हमको मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आग के इस्तेमाल के। इसके एविडेंस हमको बेलन वैली से मिलते हैं यूपी में, कुलदेहवा से मिलते हैं, चुपानी, मांडो, ये जो है यूपी का ही पार्ट है। यहाँ से हमको फायर के एविडेंस भी देखने को मिलते हैं। और रही बात इनके औज़ारों की, तो औज़ारों का इस्तेमाल यहाँ पे उसी चीज़ से किया गया, चर्ट्स है, क्वार्ट्स हैं। इसके अलावा चालके डेमी का और अगेट का भी इस्तेमाल हमको देखने को मिलता है। और ख़ास बात जैसे कि एक यहाँ पे ये है कि फ्लेक टूल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो यहाँ पे हो गया था, जो हल्के औज़ार इन्होंने बनाए, हालांकि बहुत छोटे नहीं होते थे, माइक्रोलिथिक हम लोग आगे देखेंगे वो बहुत छोटे होते थे, लेकिन फ्लेक टूल का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता था कि साउथ इंडिया में फ्लेक टूल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा एक तरीके से डेवलप हो गई थी। इंडस्ट्रीज जैसे आज की होती हैं वैसी इंडस्ट्रीज नहीं, बट एक कह सकते हैं कि एक केंद्र बन चुका था, एक फोकल पॉइंट बन चुका था फ्लेक टूल इंडस्ट्रीज का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर बात करें, जैसे कि संघाव केव हो रहेगा ये, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है, जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ पार्ट है। जैसलमेर है, चिरकी निवासा है, कल्पी है यूपी यानी कि विशाखापट्टनम, ये साउथ इंडिया में है। कल्पी, मांडो और चुपानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यूपी के हैं, और आप लोग भी एक यूपी के मोस्टली हैं तो याद रखना चाहिए, हो सकता है यूपी पीसीएस में पूछ दें। इसके अलावा है नंदी पल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स रहीं। अच्छा, ख़ास बात ये है कि ये जितनी भी साइट्स रहीं, मोस्ट ऑफ द साइट अगर आप देखेंगे साउथ इंडिया में जो हैं और सेंट्रल इंडिया में भी कह लीजिए, तो वो नर्मदा बेसिन, नर्मदा को देखेंगे बिल्कुल लगभग ऑलमोस्ट सेंटर में है, तो नर्मदा बेसिन और तुंगभद्रा रिवर जो है साउथ इंडिया में, दोनों के बीच का ही जो रीजन है वहीं पे मोस्ट ऑफ द साइट मिडल पैलियोलिथिक की हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट पैलियोलिथिक एज का पार्ट है वो है अपर पैलियोलिथिक एज। बाय द वे, अगर आप लोग राइटिंग कह सकते हैं रनिंग नोट्स नहीं बनाते होंगे तो बनाना चाहिए, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट रनिंग नोट्स बनाने से चीज़ें और बेहतर होती हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं ये बिल्कुल ऐसे हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, हम भले ही मेरा वेट जैसे कम है हम हल्के हैं, बट लेक्चर को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और स्पेशली सिविल के अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आप पाएंगे ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन जो है इससे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे, तो आप चीज़ें जो है साथ में नोट करते हुए चलें तो बेहतर होगा। तो आते हैं हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पे, जो कि है अपर पैलियोलिथिक एज। ये 1,000 नहीं, 10,000 BC। तो अपर पैलियोलिथिक अगेन यहाँ पे भी इन्वायरमेंट चेंज हुआ, टेम्परेचर जो है बढ़ा, क्योंकि 12,000 BC के आसपास क्या हुआ, लगभग 2,000 साल पहले आइस एज खत्म हो गई,
एकदम जो है लास्ट स्टेज। और आइस एज खत्म होने का मतलब है कि टेम्परेचर और ज्यादा तेजी से बढ़ा। ये जो है आइस एज का लास्ट पार्ट रहा, और कह सकते हैं टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ा। और टेम्परेचर तेजी से बढ़ने की वजह से लोग और ज्यादा माइग्रेशन स्टार्ट हुआ लोगों का, और लोगों की जो डिपेंडेंस थी एनिमल्स पे, उन सारी चीज़ों में फ़र्क देखने को मिला। और उन फ़र्क की वजह से हथियारों में, औजारों में भी फ़र्क देखने को मिला, और पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके के औजार यहाँ पे बनाए गए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे जो नीचे वाले हैं टूल्स, ये सारे अपर पैलियोलिथिक एज के हैं। हार्पून देख सकते हैं। अच्छा, ये डबल जो है कह सकते हैं पैरेलल साइडेड ब्लेड्स बनाए गए यहाँ पे। और हार्पून देखिए, स्पीयर थ्रोवर देखिए, जेवलिन है ये निडल है, ये परफोरेटर है, यानी कि किसी चीज़ को जो है होल वगैरह करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से जो टूल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा हल्के बनाए गए, जिसको बोला गया फ्लिंट स्टोन का इस्तेमाल करके जो मतलब बनाया गया, बहुत ही हल्के। और एक प्रॉपर कह सकते हैं तराशे हुए जो औज़ार होते हैं, उन औज़ारों का यहाँ पे इस्तेमाल देखने को मिलता है हमको। और ऑब्वियस सी बात है, औज़ारों को बनाने के लिए उन्हीं सारे कह सकते हैं स्टोन का यहाँ पे भी इस्तेमाल जो है किया गया था। दूसरी बात यह है कि इस टाइम पीरियड में अगर कह सकते हैं कि होमो सेपियंस सेपियंस जो है उनका यहाँ पे वजूद रहा, और इनका एविडेंस हमको देखने को मिलता है, क्योंकि टाइम पीरियड आप देखेंगे तो टाइम पीरियड, हालांकि होमो सेपियंस सेपियंस इससे पहले ही लगभग यही शुरू हो गए थे, और इस टाइम पीरियड में यहाँ पे थे, और लोअर पैलियोलिथिक एज में होमो सेपियंस थे। ये जो है डिफरेंस याद रखिएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात की जाए तो जैसे कि रोहिरी हिल्स, सिंध यानी कि हमारा ये जो पाकिस्तान है उसका हिस्सा है, इस टाइम पाकिस्तान हो गया, उस टाइम तो पूरा एक ही था, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तौर पे देखा जाए तो रोहिरी हिल्स जो है यहाँ से एविडेंस हमको मिलते हैं कि यहाँ पे उनकी बस्तियाँ रही होंगी। इसके अलावा बेलन वैली, जापानी मांडो यानी कि ये यूपी की बात हो गई, पैसारा मुंगेर बिहार हो गया। इसके अलावा कर्नूल की गुफाएं हैं, मुच्छा तगरावी है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे हमको ये इकलौती ऐसी साइट है जहाँ पे हमको बोन टूल्स मिले, यानी कि पत्थर के अलावा हड्डियों के औजार यहाँ पे देखने को मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ललमाई हिल्स हैं बांग्लादेश में, और वेस्टर्न त्रिपुरा में भी हमको अपर पैलियोलिथिक पीरियड की साइट्स देखने को मिलती हैं। तो ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ब्रीफ सारी चीज़ें थी पैलियोलिथिक एज के बारे में, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उन्होंने कैसे औजार बनाए, कैसे उन्होंने अपने आप को कहाँ पे वो रखते थे, जैसा कि हम बताए कि में रहते थे, पत्तियों का ब्रांचेस का इस्तेमाल करते थे। तो ओवरऑल एक ब्रीफ कह सकते हैं डिटेल दी गई यहाँ पे। लास्ट चीज़ जो इस पैलियोलिथिक एज में बची है वो है उनकी ज़िंदगी, उनकी सोसाइटी कैसी थी, सोसाइटी में क्या था, यहाँ पे कोई राजा होते थे नहीं होते थे, चीफ होते थे कि नहीं होते थे। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर वैसा कम्युनिकेटिव सोसाइटी नहीं थी, कम्युनिकेशन बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत था, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है बैंड सोसाइटी का। बैंड सोसाइटी यानी कि बैंड होता था, ग्रुप होता था, कुछ लोग मानते हैं 100 लोगों के आसपास तक का होता था, कुछ लोग मानते हैं 200 के, तो जितने भी लोगों का रहा हो मतलब कुछ लोगों का ये ग्रुप बन जाता था, और वो एक सोसाइटी वही होती थी। और इससे जो है नॉलेज का भी एक्सचेंज हुआ, और एक्सचेंज की वजह से इनको बहुत सारे वाइल्ड क्रॉप्स के बारे में जानकारियाँ मिली, लोग आपस में बातें करते थे, फ्री लेजर टाइम भी मिलता था। यही कारण है कि भीमबेटका हम जाएंगे तो आपको चित्र वगैरह भी देखने को मिलते हैं, खैर वो एक अलग बात है। तो इस एक्सचेंज ऑफ थॉट की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे वाइल्ड क्रॉप के बारे में इनको पता चला, और हल्का फुल्का डोमेस्टिकेशन शुरू होता है, हालांकि डोमेस्टिकेशन के लिए प्रॉपर ये पीरियड नहीं था,
डोमेस्टिकेशन बाद में स्टार्ट होगा, एग्रीकल्चर बाद में स्टार्ट होगा नियोलिथिक में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत एविडेंस हमको कह सकते हैं मिलता है कि थोड़ी बहुत इनको जानकारी थी और थोड़ा बहुत इन्होंने डोमेस्टिकेशन किया रहा होगा। इसके अलावा क्रूड पॉट्स यानी कि ऐसे कच्चे जो हाथ से बनाए हुए बर्तन होते थे, उसका यहाँ पे हमको एविडेंस देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये इनकी सोसाइटी के बारे में कि बैंड सोसाइटी तो होती थी, ग्रुप होता था, आपस में सारी चीज़ें डिस्कस करते थे, बातें करते थे, कम्युनिकेशन होता था, लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता था। क्योंकि लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो लैंग्वेज की ओरिजिन जो मानी जाती है वो 50,000 BC मानी जाती थी, लेकिन फिर इस वक्त जो मानी जाती है वो 35,000 BC मानी जाती है। तो 35,000 BC अगर लैंग्वेज की ओरिजिन मानी जाए तो इसका मतलब ये अपर पैलियोलिथिक का ही पार्ट है। तो इसका मतलब इस टाइम पे लैंग्वेज थी, अगर लैंग्वेज थी तो सेंस ऑफ कम्युनिकेशन भी रहा होगा, तो ये लोग कम्युनिकेट करते थे। दूसरी चीज़ जो हम ये कह रहे थे कि बैंड सोसाइटी यहाँ पे थी, और उस सोसाइटी का कोई चीफ नहीं होता था, किंगशिप वाला ऑप्शन था लेकिन कोई चीफ नहीं होता था, कोई राजा नहीं होता था। हाँ, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, यानी कि काम के आधार पे बंटवारा हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। यानी कि मर्दों का काम होता था हंटिंग वगैरह करना, शिकार पे जाना, महिलाओं का काम होता था यानी कि जो घरेलू चीज़ें थी उनको वो लोग निपटाते थे, और ये चीज़ें फिक्स थी। डोमेस्टिक जो काम होता था वो महिलाएं देखती थी। तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है एज और सेक्स के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ ये कि मार्केट जैसा कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पे, और मार्केट और कह सकते हैं करेंसी वैसा सिस्टम न होने की वजह से यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते थे वो रेसिप्रोसिटी के अकॉर्डिंग होते थे, और कोई भी व्यक्ति किसी भी रिसोर्सेज का, संसाधन का मालिक नहीं होता था। ऐसा नहीं होता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, हर इंसान अपना अपना एरिया छेक ले, घेराबंदी कर दे और ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ऐसी ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती थी। क्योंकि वैसा कोई सिस्टम था ही नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, एक अच्छी सी देसी सोसाइटी कह सकते हैं यहाँ पे मौजूद थी। तो इस तरीके का कोई तामझाम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये था आज के लेक्चर में, इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे मीज़ोलिथिक एज, और मीज़ोलिथिक एज जो मानी जाती है वो 10,000 BC से लेके 6,000 BC, कहीं कहीं 4,000 BC भी कह सकते हैं, और उसके बाद जो लास्ट है वो है नियोलिथिक एज। तो कल हम लोग जो है मीज़ोलिथिक और नियोलिथिक को देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। और स्टोन एज अगले लेक्चर में हम लोग ख़त्म करेंगे, उसके बाद तीसरा और सबसे जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंशियंट इंडिया का वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंदस वैली सिविलाइजेशन, जो हम लोग एक ही लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगला लेक्चर जो है 2 या 3 दिन बाद आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दैट लेक्चर, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।